जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लासर, आपके सामने नया वीला के साथ हाजिर हूं। आज जो मेरे साथ यहां शख्सियत मौजूद हैं, ये जाना पहचाना चेहरा है, ये सरदार हैं, इसके बलोचिस्तान के सरदार यार मोहम्मद रेंदी, इनका नाम है जनरल। ये परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में 5 साल तक वफाकी वजीर रहे, इसके बाद प्रोविंशियल असम्बली बलोचिस्तान में ये अकेले अपोजीशन वहाँ पर लीडर थे। 64 कोई मेरा ख्याल है कोई अरकान थे, वो सारे के सारे हुकूमत में थे। तो ये वहद जो थे वहाँ पर अपोजीशन ये लीडर के तौर पर रहे हैं, ये अपने बलोचिस्तान में जो अगेन कहा जाता है बड़े सरदार हैं उनमें से एक जो है सरदार यार मोहम्मद रेंद है, बल्कि कहा जाता है बलोचिस्तान का और सिंध में भी जो सबसे बड़ा ट्राइब है तो वो रेंद का ट्राइब कहा जाता है। तो उनके जो चीफ जो हैं ये हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और आपसे बहुत सारी बातें होने वाली। मैं तो साफ ज़ाहिर है आपको 2002 से जब आप आए थे या मैंने बन के फिर वजीर बने, मेरा ख्याल एग्रीकल्चर के वजीर अब जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में या जब आए थे उसमें जमाली साहब के दौर में आनवर्ड बने थे। थोड़ा सा मैं चाहूँगा, मुझे तो है आपसे आशनाई अच्छी खासी, एक नौजवान नस्ल आई है, नए लोग हैं इतने सालों में, कोई थोड़ा सा अपना तारुफ देंगे आप ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे पूरे बहुत सारे इश्यूज़ हैं बलोचिस्तान के, इश्यूज़ पर बात करने वाले नेशनलिस्टिक मूवमेंट्स हैं वहाँ पे, डिस्टर्बेंसेस हैं, फिर इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन इस दफ़ा आप जो हैं वो इलेक्शन हारे हैं, आपकी ट्राइबल एनिमिटीज़ बहुत सारी हैं, मतलब आप पे अटैक्स हुए हैं, आपके बच्चों पर हमले हुए हैं, आपके मुखालफीन के साथ खासी लंबी एक ट्राइबल वार आपकी चलती रहती है जिसमें कुछ आपके ट्रेजिक लॉस आपके भी हुए हैं, कुछ आपके अपोनेंट्स हैं उनके भी हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे कि क्या सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, आपने माजी के इस्टेबलिशमेंट को भी डील किया है, माजी के जनरलों से भी आप मतलब डील करते रहे, आज के जनरल जो आज की इस्टेबलिशमेंट के लोग हैं उनसे भी आपकी ऑफकोर्स मुलाकातें और बातचीत होती रही, उससे सो सारा हम इनको कवर करेंगे। लेकिन पहले मैं चाहता हूँ आपका कि आप ज़रा अपना तारुफ खुद ही हमारे व्यूअर्स को दें रेंद ट्राइब के बारे में, अपने बारे में। सबसे पहले तो रऊफ साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे टाइम दिया और मेरे ख्याल में आज मुझे थोड़ा बोलने का वक्त भी मिलेगा, टाइम भी मिलेगा, और मुझे यकीन है कि आप वो सवालात करेंगे जो लोग बलोचिस्तान के बारे में और हमारे बारे में या मेरे ज़ात के बारे में जानना चाहेंगे। आपको पता है कि जब मैं यहाँ पहली दफ़ा तो नहीं, मैं इस दफ़ा कोई 10वीं इलेक्शन लड़ा हूँ और पहले दफ़ा बदकिस्मती से शो में किस्मत कहते हैं क्या कहते हैं शो में किस्मत, शो में किस्मत से मैं इस दफ़ा हरवाया गया हूँ। अच्छा, कोशिश तो पहले भी करते रहे, पहले भी हमारे दोस्त मेहरबान जो कुछ इस मुल्क के अंदर हैं उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या चीज़ होती है, और ख़ास तौर पे मुझसे मेरी ज़ात से मैंने तो हमेशा कोशिश की कि मैं एक पॉजिटिव एक किरदार अदा करूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान के साथ जब से पाकिस्तान बना है 75 ईयर्स से, अब क्या वजूहत हैं, क्या रीजंस हैं, हम तो पाकिस्तान बनने के बाद पैदा हुए, मगर आज तक जो मुझे महसूस होता है कि बलोच पाकिस्तान को नहीं समझ सके और पाकिस्तान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बलोचों को नहीं समझ सके। अच्छा, वो क्लेश आज तक चल रहा है। जब मैंने जनरल मुशर्रफ को ज्वाइन किया उनके साथ, वो मैंने जाके एज ए आर्मी चीफ तो उनको ज्वाइन नहीं किया था, एक प्रोसेस था, इलेक्शन था, मैं इलेक्शन लड़के आया, मेंबर पार्लियामेंट बना, नेशनल असम्बली का मेंबर बना, जमाली साहब हमारे इलाके से थे, जफरुल्लाह जमाली मरूम साहब ताल्लुक़ रखते थे, तो उन्होंने मुझे और कुछ दोस्तों ने ऑफ़र की कि भाई हम आपको कैबिनेट में लेते हैं, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मगर बात यह है कि मेरा तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक ही एक्सपीरियंस है वो है एग्रीकल्चर, अगर उसमें मुझे वो मिनिस्ट्री दी जाए तो मेरे ख्याल में मैं कोई बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता हूँ, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि जो मेरा 3 साल का दौर गुज़रा इतनी बड़ी मुदाखलत के बावजूद कि आखिर में कुछ मेहरबान दोस्तों ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया, और मुझे जब नई हुकूमत बन रही थी शौकत अजीज़ साहब की, तो उसमें मैंने ख़ुद माजरत भी कर ली
और क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेरी इतनी मेहनत के बावजूद, मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ मगर मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको कि आप उठा के रिजल्ट्स देख लें कि जो दो साल मेरा टेन्योर था एज ए मिनिस्टर ऑफ फूड एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी नहीं मिनफिल, उस वक्त 7 डिवीजन थे, 7 मिनिस्ट्री थी मेरे पास जिसमें एक में फूड एंड एग्रीकल्चर भी थी। तो रिकॉर्ड पैदावार हुई वीट की, जो पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने वीट एक्सपोर्ट की। फिर ग्रेन्स, हमें एक मन भी वहाँ 1 टन भी पाकिस्तान में नहीं मंगवाना पड़ा। और कॉटन की रिकॉर्ड पैदावार हुई कि उसके बाद न पाकिस्तान में उससे ज़्यादा कॉटन पैदा हुई, न मुझसे पहले हुई थी न मेरे बाद हुई। मगर क्योंकि इसमें लोगों के मफादात बड़े थे उस वक्त, वो कुछ कैबिनेट के ऐसे लोग थे, हम तो बलोच आदमी हैं, सीधे सीधे बातें करने वाले, और ये हमारी बदकिस्मती है, कोई अच्छी बात नहीं है, हम वो बात कहे जाते हैं जो साहिब इक्तदार लोगों को अच्छी नहीं लगती है। बहरहाल मैं आज भी ये कहूँगा कि मेरा दौर जो जनरल मुशर्रफ में 9 दफ़ा मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ और इस दफ़ा लूज कर गया हूँ, इससे बेहतर आदमी मैंने कोई नहीं देखा। अच्छा, जनरल मुशर्रफ से? जनरल मुशर्रफ एक जीनियस आदमी थे और थारो जेंटलमैन थे। लेकिन आप समझते नहीं हैं कि जो अकबर भुट्टी साहब को जिस तरीके का उनको पहाड़ों में जाकर जनरल मुशर्रफ साहब ने पहले थ्रेट किया कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से मारा जाएगा, देन ही वॉज किल्ड इन द माउंटेन, जिसके बाद बलूचिस्तान की इंसर्जेंसी शुरू हुई और आज तक कंट्रोल में नहीं आ रही। तो आप समझते नहीं है कि मुशर्रफ साहब का वो जो स्टेप था भुट्टी साहब के खिलाफ जो ऑपरेशन किए गए, तो बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा हमारे लिए मसला बना, आज तक वो काबू में नहीं है। सो बलोच लोग तो मेरा ख्याल मुशर्रफ साहब को इस तरह नहीं लेते जैसे आप उनको एडमायर कर रहे हैं। मैंने ये अपनी पर्सनल फीलिंग आपको बताई। ओके। और एक आदमी की दूसरे आदमी के बारे में अपनी मैंने राय दी। नवाब अकबर भुट्टी का कत्ल मैं समझता हूँ, और लाल मस्जिद, ये उसके जो टेन्योर था जनरल साहब का, ये वो वाहिद फैसले थे जो उनकी ज़िंदगी में बदतरीन फैसले थे। हमने कोशिश भी की, हमने एफर्ट भी किए, और एक वाक्या बाद में तो मैं आपको मैं सुनाऊंगा। काश कि अगर वो वाक्या जिस तरह मैनेज हुआ था, जिस तरह हम चाह रहे थे, जिस तरह मेरी ख्वाहिश थी कि कुछ लोग अगर वो बीच में आके उसको ख़राब ना करते, तो आज न पाकिस्तान में ये हालात होते न बलूचिस्तान में हालात होते। बहुत सारे लोगों के मफादात हैं कि वो ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में कभी अमन ही ना रहे। आज भी जो कुछ आपका बलूचिस्तान में हो रहा है, आप क्या समझते हैं? आपने उस वक्त कोई एफर्ट्स की थी भुट्टी साहब की और जनरल मुशर्रफ के दरमियान कोई पैचअप कराने की, ताकि ये सारी चीज़ें ना होती? क्योंकि आप उस वक्त कैबिनेट में बैठे थे, आप मौजूद थे हुकूमत में। आज सिर्फ एक आदमी उनमें से जिंदा है, चौधरी शुजात। यस, मैंने बहुत एफर्ट की थी, मेरी ख्वाहिश थी। मैंने आपको बताया वो एक पूरा एक वाकया, कभी मैं बाद में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ये वक्त नहीं है उसका। काश कि अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता और मैं किसी हद तक कामयाब हो गया था। भुट्टी साहब से रिलेटेड बात कर रहे हैं आप? ये सिर्फ भुट्टी नहीं थे, उसमें नवाब खैरबख्श मरी थे, अताउल्लाह मेंगल थे, नवाब अकबर भुट्टी थे। मेरी ख्वाहिश ये थी कि हम इन तीनों को 1-to-1 जनरल मुशर्रफ के साथ बिठा दें ऐसे सामने जैसे मैं और आप बैठे। मेरा ख्याल जिस चीज़ पर डिफरेंस होगा, मैं आई कैन मेक ए गेस, जनरल मुशर्रफ कहते होंगे मैं आर्मी चीफ हूँ, सदर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा उनसे किसी मिलने के लिए, वो कहते होंगे जी कि हमारी अपनी एक बलूचिस्तान में प्रेस्टीज है, ईगो है, हमारा अपना एक स्टेटस है, हम उससे मिलने नहीं जाएंगे। मेरा ख्याल दैट माइट बी वन ऑफ द मेजर रीजंस के दोनों साइड्स पे बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो फिर क्या इशू हुआ सब मुलाकात? मैं अर्ज करूँ, ये लोग ऐसे एक सोच बना के, और पंजाब के अंदर यहाँ पे हमारी और उनकी ज़बान में बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारी तहजीब सकाफत पंजाब से बिल्कुल अलहदा है, हमारी ज़बान जो है वो बिल्कुल पंजाब से अलहदा है, हमारी हिस्ट्री का
पंजाब से बहुत कम ताल्लुक रहा है, और इसी तरह पंजाब के लोग भी, और ख़ास तौर पे मेरी ये अपनी एक ज़ाती सोच है कि अगर ये जो सिटिंग जनरल्स हैं ना, आप इनको और 50 साल 75 साल तो गुजर गए, 75 साल इनको पाकिस्तान में बिठाएं और इनको हक हुक्मरानी दें और इनको कहें कि इन मसलों को हल करें, वो कभी नहीं कर सकते। वो तो सही बात है। अच्छा, आपने एक बात की बड़ी अहम, छोटे से इंटरेक्शन मैं बोलना, जो बड़ी अहम बात है आप ही बताइएगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आपने बात की कि हमारा कोई पंजाब से कोई कल्चरली लिंग्विस्टिकली अदरवाइज कोई रिलेशनशिप नहीं बनते, कोई जोड़ नहीं बनता दूसरे लफ्जों में, लेकिन आपके जो सबसे ज़्यादा एक ऑनरेबल एक बलोच सरदार हैं, रिंद सरदार हैं अगर मैं गलत नहीं कर, मीर चाकर खान, उनकी जो ये कब्र जो है वो तो काड़ा में है, सहीवाल में है यहीं पे, और उनको वो तो दफन भी यहाँ पे हैं। आप कहते हैं आपके पंजाब के साथ उस तरह के तल्लुकात भी नहीं, आई होप कि आपने ज़रूर विज़िट किया, बल्कि आपके तो अपने बेटे का नाम जो है मीर चाकर ये है, उन्हीं के नाम पे है सर। तो हाउ कुड यू से दैट कि पंजाब से आपका उस तरह का तल्लुक नहीं है? एक बेटे का नहीं, मेरे दो बेटों का नाम, एक जो बच्चा था 5 साल का जो शहीद हुआ जी, जिन पे हमले अटैक में हुआ, जो ट्राइबल वार में शहीद हो गए, 5 बच्चे और मारे गए। ओह वेरी सैड। अभी जिससे आप मिले हैं मीर चाकर से, उसकी डेथ के बाद यहाँ जब मैं 2001 में आया तो वो उसकी बर्थ हुई तो मैंने उसका नाम रखा। देखिए जितने बलोच तो जिन पे वो हुआ थे 5 साल, जो आपका बेटा उनका नाम भी मीर चाकर था, उनका नाम मीर चाकर, तो फिर आपने एक और बेटे का जो 2003 में पैदा हुआ है, ये 2002 में पैदा हुआ, नहीं 2003 में, तीन में, तो उसके बाद मैंने उसका नाम, उसका नाम फिर मीर चाकर। हमारे यहाँ एक ट्रेडिशन है, बाप का हमेशा हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने बेटे का नाम जो है पहले बेटे का, अगर बाप जिंदा नहीं है तो अपने बाप का नाम हम रखें। जैसे मैंने अपने बेटे का नाम जो है ना दादे के नाम पे रखा है, बड़े बेटे का, दैट्स हाउ आवर ट्रेडिशंस इज, ऐसा ही है हमारे, या बाप या दादा या परदादा हमारे, मतलब मेरे जितने बेटे हैं एक्सेप्ट एक, मगर वो भी उसका आधा नाम जो है उसका नाम, जब वो पैदा हो रहा था तो हमने सोचा उसका नाम रखेंगे हकीम मीरान। अच्छा, मीरान रखेंगे उसका नाम, और वो जिस दिन पैदा हुआ उससे एक दिन पहले लड़ाई हुई, और उसमें मेरा बहुत ही एक प्यारा बॉडीगार्ड था, और अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, बहुत ही बहादुर और बहुत ही दिलेर था, एक दिन पहले वो शहीद हो गया लड़ाई में, तो मैंने फिर उसका नाम जो रखा हकीम मीरान रखा, उनके नाम पे, अपने बॉडीगार्ड के नाम पे, बॉडीगार्ड के नाम पे और अपने दादे के नाम पे, उनका नाम भी वो थे। ओके जी, मीर चाकर इनके भतीजे थे और बहुत बड़े मीर चाकर के जनरल थे, तो उसके नाम पे मैंने उसके नाम रखा। बाकी जितने नाम जो है वो मेरे इंसेस्टर्स हैं उनके नाम पे, मेरे बुजुर्गों के, सारे नाम बच्चों के आपने खुद रखे हैं या बच्चों की माँ ने भी कुछ रखे हैं? पूरा फैमिली है, मिलजुल के नाम रखते हैं। अच्छा, मिलजुल के, मगर चॉइस हमेशा बाप की होती है, मतलब फाइनल आप की होती है, ज्यादा यही होता है कि, और नहीं ये तकरीबन क्योंकि एक अच्छी ओकेजन होती है, एक खुशखबरी आने वाली होती है इंसान को, फिर वो यही होता है कि यार अगर बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो फिर ये नाम रखेंगे, तो इस तरह उस वक्त ये तय था, सबकी ख्वाहिश थी कि मैं अपने बेटे के नाम पे जो शहीद हुआ था उसके नाम पे रखूं। मैं इसलिए कह रहा था, मैंने पूछा है कि आपकी था बात है चाकर खान की, हां चाकर खान, मीर चाकर खान रिंद का जो है ना उकाड़े में मकबरा है, और सदगरा के अंदर वो जो किला है उसमें वो दफन है, और सबसे ज्यादा बलोच बलूचिस्तान की निस्बत वो पंजाब में है, हमारे पंजाब में रहते वो हमारे सरायकी इलाकों में ज्यादा है, सरायकी इलाकों में आपके ज्यादा है, आपके सेंट्रल इलाकों में ज्यादा है, इवन लाहौर के अंदर वहां आप चले जाए तो वहां लोग बहुत ज्यादा है, इसी निस्बत से दिल्ली के अंदर, अब तो पूरी दुनिया में, अब तो माइग्रेशन की पूरी दुनिया में, ये छोटी मोटी माइग्रेशन नहीं, इंडिविजुअल्स नहीं, कबाइल के हिसाब से, जैसे अभी मैं अपनी आपको मिसाल दूं, हमारे खानदानों में आज से कुछ 7 जनरेशन पहले तकसीम हो गई और हिंद कबीला 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, तो उस वक्त 2 सरदार थे, एक तो सखी दिलेलाम था जिसको पगड़ी बांधी गई, एक हमारा दादा था सरदार खान, वो सिर्फ 3 साल का था, उसके बाप की डेथ हो गई तो माँ लेके उसके अपने मामू के पास चली गई, बाप के पास, मामू के पास, जब वो बड़ा हुआ 18, 19, 20 साल का तो उसने कहा कि मैं सरदारी अपनी वापस लेना चाहता हूँ, मेरा के मुझे मिलनी चाहिए, तो आधा कबीला वो गया कबीले के पास, आधा कबीला एक तरफ हो गया, आधे ने कहा नहीं हमने इसको सरदार बनाया, हम इसको छोड़ नहीं सकते।
तो हमारी तो पूरे रिंदों की हिस्ट्री है कि सिर्फ 17-18 जनरेशन में हमारा सिर्फ एक सरदार चेंज हुआ है। आपकी पॉपुलेशन पहले नहीं हुई, आपके रिंद कबीले की मतलब आबादी कितनी है टोटल, कोई एनी आइडिया, क्योंकि आप सरदार हैं रिंद कबीले के, तो डेफिनेटली आपको पता होगा कितने। 1640 के अंदर जो मीर चाकर का लश्कर है वो 40,000 था उस वक्त। जी 1640 के अंदर लश्कर था, कबीला नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, बलोच नहीं बता रहा हूँ, और रिंद के जो है ना 44 ट्राइब्स हैं जो ऑफशूट्स हैं, मतलब जो ऑफशूट्स हैं रिंदों के। फिर हमारे यहाँ एक और बलोच कबीला, हम दो कबीले होते हैं, एक रिंद और एक लाशार। तो रिंद वो कबीला है जिसके 44 ऑफशूट्स हैं, और ये मोस्टली बलोच जो है ये उनमें से है, एक्सेप्ट खोसा है वो होत बलोच कहलाता है, उसकी अलहदा हिस्ट्री, उसकी वालदा अलहदा है और वो मकरान से थोड़ा सा अलग। क्योंकि हमने इनको छेड़ ही दिया बात, इसी को वो मेरा ख्याल बात यहीं पे मुकम्मल करके आगे बढ़ते हैं सर। आपकी वहाँ पे जो ट्राइबल मतलब है ज़ाती दुश्मनी शुरू हुई हुई है आज की नहीं है बहुत सारे डेकेड्स के, जिसमें आपका 5 साल का बेटा है वो भी शहीद हुआ, आपके बहुत सारे साथी बॉडी गार्ड्स उन्होंने जाने दिए, डेफिनेटली जो आपको अपोनेंट्स हैं ये उनके साइड्स पे भी जानों का लॉस हुआ होगा, उनके भी डेयर्स एंड नेयर्स वन जो हैं वो इस ट्राइबल वार में वो भी मारे गए होंगे। हाउ डिड इट स्टार्ट, तो मुझे याद पड़ता है कि शायद मेरा इलेक्शन से शुरू हुई थी, बलदियाती इलेक्शन थे 83 की लोकल बॉडीज के इलेक्शन के, वहाँ से शुरू हुआ। सो ये ज़रा बताएंगे सर, हमारे जो हैं कोई 11 बंदे शहीद किए गए इलेक्शन वाले इलेक्शन के दिन, इलेक्शन पोलिंग स्टेशन पे, और उसमें क्योंकि जिस बंदे को शहीद किया गया वो जतोई था और बाकी लोग भी सारे जतोई थे। जतोई इज द सब ट्राइब ऑफ रिंद, ओके, जतोई कोई अकेला कबीला नहीं है। अच्छा, हम ये समझते रहे, ये बाकी कबीले तो हमसे आस्ता आस्ता जुदा होते गए, मगर जतोई अभी तक रिंद का एक सब ट्राइब है। वो हम जब आपस में बैठते हैं तो अलहदा में हो जाते हैं, जैसे हमारे रिंदों के 17 इस वक्त 17 सब ट्राइब्स हैं जो मुझे सरदार मानती हैं, और 4 सरदार हैं जो जब मेरी दस्तारबंदी होती है तो वो मेरी दस्तारबंदी करते हैं, तो उनमें से जतोई भी 4 सब ट्राइब्स हैं, 4 उनके सरदार हैं जो हमारी दस्तारबंदी करते हैं हल्फिया कुरान शरीफ के ऊपर। तो जतोई दिन इवन टुडे वो पार्ट ऑफ द रिंद ट्राइब, वो आज भी रिंद का हिस्सा है, वो हमसे अलहदा नहीं है। तो 9 आदमी जो कत्ल किए गए वो जतोई थे सारे, सारे एक आदमी को छोड़, 2 आदमी को छोड़ के 7 जतोई थे, एक उसमें रिंद था और एक इंटेलिजेंस का बंदा था, बदकिस्मती से पंजाब से ताल्लुक था उसका CID पुलिस से, वो भी उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, वो भी वहां मारा गया। तो उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, और बगैर कोई वजह, बगैर कोई रीजन, बगैर कोई मतलब हमारी कोई उस ट्राइब के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, इवन दुश्मनी है तो अपनी जगह पे, बहुत करीबी रिश्तेदारियां थी हमारी उनके साथ। उन्होंने उठ के मैं मेरी समझ से, और बलूचिस्तान के आज भी लोग जो बैठते हैं वो यही कहते हैं कि आज तक हमें समझ नहीं आई है कि एक आदमी जिसकी उम्र खुद उसको कोई 70-75 साल थी, उसने उठ के ये हरकत कैसे की, और कोई रीजन नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा बनाया गया। वो देख रहे थे क्योंकि उस वक्त ज़ियाउल्लाह का टाइम था, ये होते थे कि हर कैंडिडेट के अलग बॉक्सेस होते थे, आई रिमेम्बर, तो 12-1 बजे तक हमारी जो पूरा बॉक्स था वो फुल हो गया। हमारे एजेंट्स बैठे थे, उनसे गलती हो गई, उन्होंने कहा जी हमारे बैलेट पेपर अंदर नहीं जा रहे, हमें एक और बॉक्स दे दें। तो और ये भी तरीका होता था कि हम किसी को भेज देते थे, कोई स्टिक छोटी सी ले जाता था, वो उसमें लगा के देखता था कि कितना भर गया हमारा, कितना उनका भरा है। तो 1 बजे रेसानी साहब को ये यकीन हो गया कि मेरा बेटा इलेक्शन हार रहा है, तो उन्होंने ये किया कि 2-2, 3-3 बंदों को हाथ से पकड़ते थे और पोलिंग स्टेशन के अंदर पोलिंग बूथ में ले जाते थे, ये अंधा है, ये मजदूर है, ये बुढ़ा है, ये फलाना है। हमने कहा जी ठीक है, आप हमारे बुजुर्ग हैं, सफेद दाढ़ी है, हमारी रिश्तेदारी है आपके साथ, आप मेहरबानी करके उनको छोड़े, अंदर पोलिंग बूथ में चले गए, जिसको वोट देना चाहे दे। मगर उस वक्त मैं बिल्कुल वहाँ मौजूद नहीं था, मेरे ये लोग मौजूद नहीं थे, वहाँ पोलिंग हो रही थी कोर्ट बेंगल के अंदर।
तो असल उनका झगड़ा जो शुरू हुआ वो मेंगल ट्राइब से शुरू हुआ, मगर बदकिस्मती से क्योंकि उनको ये खौफ था या उनको ये एहसास था कि मैं उनको मेंगलों को सपोर्ट कर रहा हूँ और उनको मैं हरा रहा हूँ, तो उठ के फिर उन्होंने हमारे 11 आदमियों को कत्ल कर दिया वहीं पे पोलिंग स्टेशन पे, पोलिंग स्टेशन पे, और एफसी की मौजूदगी में, गवर्नमेंट मौजूद थी, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद था, सारे मौजूद थे वहीं, क्योंकि हम वहाँ से 150 किलोमीटर हमारा गाँव दूर था, 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, 100 माइल है तकरीबन वहाँ से, वो 150 किलोमीटर बनता है, और वो उनका साथ में 2 किलोमीटर पे उनका गांव था, उनके पास वेपन भी थे, बंदे भी थे, लोग भी थे, वो ला के आके बैठे, जैसे हम इंटर हुए, मैं भी था उसमें शामिल, जैसे हम इंटर हुए फायर शुरू हो गया। हाँ अलबत्त ये हुआ कि मैं पहले था तो मैं निकल के आगे, जब वहाँ पहुँचा मैं बैठा उनके पास मैंगलों के पास, अभी पीछे गाड़ियाँ आ रही थी, अचानक हमने देखा फायर शुरू हो गया, तो ये वजह, ये रीज़न हुई और वो लड़ाई। तो फिर आपकी जो मतलब है इस, इसके बाद आपने भी जवाबी तौर पर आपके कबीले ने या जतोई ने फिर उन पे भी अटैक किया, उनकी साइड पे कितनी कैजुअल्टीज हुई, कितने लोग उनकी साइड पे? बहुत कम लोग हुए, कोई उनके 6-7 लोग मारे गए, उनमें से नवाब खुद भी मारा गया, मगर उसके बाद नवाब साहब का जो तरीका था, मैं उसमें भी ये वो मौका नहीं है डेफिनेटली मौजूद नहीं है कि वन साइडेड, उनकी जो बेटे थे वो खुद तो एक बुजुर्ग आदमी थे, मैंने आपको कहा 75-80 साल उनकी उम्र थी, मगर उनकी जो औलाद थी वो बदकिस्मती मेरे ख्याल में उस लड़ाई की वजूहत भी बनी और नवाब के कत्ल की भी वजूहत उनके अपने बेटे बने। अच्छा कितने लोग दोनों साइड से अब तक इस ट्राइबल वार में, 500-600 से ज्यादा लोग मर चुके, 500-600 से ज्यादा लोग ये रेसानी और ये रेंज ट्राइब की लड़ाई में अब तक 40 सालों में मारे जा, 500-600 दोनों साइड से, तो कुछ जरके वगैरह कभी नहीं हुए कोई? बहुत कोशिश की और जिस जरके कस्म के मैंने जरके भेजे उनके पास, यहाँ तक कि एक जरके में 3 प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, एक ही जरके का। कौन कौन से था उसमें? सर सरदार अपना मजारी साहब थे, सरदार बलाकशेर मजारी, शेर मजारी साहब थे, और उसमें अपने जमाली साहब थे, फारूक लगारी इत्तेफाक से उन्हीं प्रेसिडेंट का आपने कहा ना, मैं कि शायद कोई, जी हाँ, तो उसमें नहीं मैं भी भूल रहा हूँ, कोई 4 तो उसमें चीफ मिनिस्टर थे और सिंध बलोचिस्तान और पंजाब, कोई बलोच सरदार ऐसा नहीं था जो उसमें मौजूद नहीं था। ये तारीख का मेरे पास BBC और वॉइस ऑफ अमरीका की रिकॉर्डिंग आज तक पड़ी हुई है, उस वक्त ये TV वगैरह मीडिया नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि ये तारीख का बलोची तारीख का सबसे बड़ा जिरगा है, और वो सेटल नहीं हुआ, वो सेटल नहीं हुआ। रहसानी साहब के एक बेटे, एक बहुत बड़े दानिश्वर हैं हमारे, उनके बेटे हैं लश्करी साहब, तो उन्होंने उठ के बाकायदा तकरीर की कि ये खैर नहीं है, ये राजीनामा नहीं है, ये इज़राइल और फ़लस्तीन का ये फैसला है, ये इज़राइल की तरह और फ़लस्तीन के मज़लूमों की तरह ये लड़ाई है, कोई उन्होंने बड़ा एक भाषण दिया और उसका नतीजा ये निकला कि उसके बाद 200-250-300 बंदे मर गए मजीद। मतलब ये तो 600 खानदान बेचारे, खवातीन बेवा हुई हैं, बच्चे यतीम हुए, फैमिलीज, इट्स ए ये तो पूरी जंग में शायद इतने बंदे ना इसमें मारे जाते हैं जितने, यही है, मगर उसके साथ आप ये भी देख लें कि जो मेरा बेटा शहीद हुआ उसके साथ 6 बच्चे तो और मारे गए, 6 बच्चे मारे गए आपके बेटे के साथ, जी 6 बच्चे, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा 11 साल का था। ये गाड़ी में थे या कहीं गाड़ी में? वहां से उसके रोड से गुजर रहे थे, बदकिस्मती से हमारे दोनों रास्ते रहसानी साहब के घरों से गुजरते उनके, तो वो वहां से गुजरे, और हमारे बलोची एक ट्रेडिशन है, रवाज है, हम 2 चीजों पे हाथ नहीं उठाते, एक औरत और बच्चा, एक औरत दूसरा बच्चा, तीसरा बहुत ज़ईफ मर्द, सफेद रीश जो बहुत ज़ईफ हो उसको भी हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनाते, मगर क्योंकि उन्होंने हमेशा इस लड़ाई में, अभी वो बैठ के एक अजीब एक नया उन्होंने वो एक सेंटेंस जुदा किया, ये बलोची रिवायत के खिलाफ है, ये बलोची कौन सी बलोची रिवायत है, इनको क्या पता बलोची रिवायत क्या होती है, बलोची रिवायत का तो हमने पास किया कि हमारे जब लोग मारे गए 10-11 लोग हमारे पहले जो वाकये में शहीद हुए, उसके बाद हमने तो किसी एक बंदे को भी 6 साल तक हम उनके लोग और उनके कबीला वेट करता रहा, उनके वर्षा वेट करते रहे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि नहीं आपने जब तक
आपके मुजरिम नहीं है, आपने बेगुनाह किसी कौम कबीला करके आपने किसी से नहीं लड़ना है। हाँ, मैं आपको रोकता नहीं हूँ, आपका हक है और कुरान में भी है कि आप अपना बदला लेना चाहें ले, मगर बेगुनाह लोगों से नहीं, उसके कबीले से नहीं, उसके वो लोग जो न्यूट्रल लोग हैं जो इस लड़ाई में शामिल नहीं तो है। कुरान में माफ करने का भी बड़ा अजर है कि माफ कर दें वो, अगर मालिक उस वक्त माफ कर देते तो शायद ये मसला हल हो जाता, मगर उनका जो तरीका कार था वो इस तरह का नहीं था कि वो। अच्छा, आपको लगता है जब बच्चों की जो आपने बात की है 6-7 बच्चों, उन्हें पता था इस गाड़ी में बच्चे हैं या मिस्टेकन कोई आइडेंटिटी का था? उसके घर के दरवाजे के ऊपर मेरगढ़ में तो कत्ल हुए मेरे सारे बच्चे, 6 बच्चे या गाड़ी में जा रहे थे ससुर, हाँ हाँ उनके घर के दरवाजे के सामने तो कत्ल हुए वो। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल था मेरा ससुर, उन्होंने कोई वजाहत नहीं दी, कोई एक्सप्लेनेशन के इनको टारगेट नहीं किया, मानते भी नहीं है वो, तो आज तक एक्सेप्ट भी नहीं करते, उनके घर के दरवाजे के ऊपर कत्ल हुआ है जैसे ये आपका रोड के सामने। तो ये वो लोग हैं जिनको अभी रिसेंटली तो आपके बेटे पे अटैक हुआ है मेरा ख्याल कुछ अरसा पहले, ब्लास्ट हुआ रिमोट कम उसका हुआ मेरे बेटे के ऊपर, मतलब खुशकिस्मती थी उनका कॉन्वॉय था तो पिछली एग्जैक्टली पिछली गाड़ी पे वो अटेम्प्ट हुआ, क्योंकि क्योंकि रिमोट था तो थोड़ा सा चंद सेकेंड डिले हो गया रिमोट को ट्रेवल करने में, रेजिस को वो हमेशा होता है 2-3 सेकंड का कोई फर्क होता है। तो जैसे मेरे बेटे की गाड़ी गुजरी है, वो बुलेट प्रूफ थी, उसके पीछे वाली गाड़ी तो ज़्यादा थी मगर एग्जैक्टली जो बैक साइड पे उसके बाद नंबर 2 थी उसके अंदर वो ब्लास्ट हुआ और उसमें एक बंदा शहीद हुआ है, 2-3 जख्मी हुए हैं, किसी बिल्कुल मतलब किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, 6-7 बंदे हुए। और ये भी बड़ी आपको मैं बता दूँ, आज तक उसमें एक आदमी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इतना बड़ा वाकया होने के बावजूद इतनी मेहरबान है बलूचिस्तान और बलूचिस्तान की जो ताकतवर शख्सियतें हैं जो उनको बैक कर रही हैं। ऐसा ये बताएं, इतना जैसे आप बता रहे हैं, ये लाइफ आपकी एक सरदार की लाइफ आपको ब्लेसिंग लगती है या एक अजाब लगती है कि एक मुसलसल स्ट्रेस है, ट्राइबल वार है, आपके बच्चे शहीद हो रहे हैं, दूसरी साइड पे हो रहे हैं, कांस्टेंट एक फियर है, खौफ है कि खुदा ना खासा किसी वक्त कुछ हो ना जाए बच्चों के साथ, आपके साथ, किसी और के साथ, तो ये किस तरह के लिए, हाउ डू यू मतलब कोप विद दैट? अब रात को कैसे सोते हैं कोई इस हर वक्त मतलब मुहाफ़ज़ों के घेरे में, हर वक्त बच्चों की फिक्र, फैमिली की फिक्र, ट्रैवल करते उन्हें भी ये फिक्र होगी, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ आपको होगी, दूसरे रेसानी ट्राइब को भी फिक्र होगी, तो कैसे ज़िंदगी गुजरती है? ब्लेसिंग लगती है कि इट्स अ गुड लाइफ, या आपको और ज़िंदगी मिले तो आप रेंद ये ट्राइब के सरदार बनना चाहेंगे या जस्ट अनदर कामनर बनना चाहेंगे, या ये कम अज़ कम सुकून तो होगा ज़िंदगी में? आपने 2 सवाल किए सर, मुख्तलिफ़। जहाँ तक ब्लेसिंग का ताल्लुक है, बिल्कुल आई फील के ब्लेसिंग है और मुझे ये फ़ख्र है कि मैं इतने बड़े जिसका हिस्ट्री में इतना बड़ा एक जिक्र है और जिसका बड़ा मकाम है, और बलोचों की एक सबसे बड़ा कबीला और सबसे बड़ा, ये नहीं कि तादाद के लिहाज से, तादाद के लिहाज में तो वही है मगर उसके एक रुतबे के लिहाज से भी इतने बड़े कबीले का सरदार बनना मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है। अगर मुझे ऐसी 7 जिंदगी भी मिले और अगर मुझे कौम चाहे तो मैं 7 दफ़ा दोबारा ये बनना चाहूँगा। अच्छा, फिर ज़िंदगी का जहाँ तक ताल्लुक है, बहुत मुश्किल है, आप तस्वीर भी नहीं कर सकते कि मैं यहाँ अभी आपके सामने बैठा हूँ, मुझे ये यकीन है कि मैं अपने घर पहुँचूँगा, नेवर, ये कोई मजाक नहीं है। I can understand. That's the reason I asked. अभी आजकल जो टीवी पे ये मीडिया में 2 बॉडीगार्ड उठा लेता है, एक वीगो बिठा उसके पीछे के ऊपर बिठा लेता है तो, और वो कहता है मैं सरदार। सरदार क्या है? ये जो आजकल आपको सरदार नजर आते हैं इसमें 90% सरदार फेक है। इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं है। भाई सरदार तब बनता है कि जब पूरा कबीला बैठे, पूरे उसकी कौमें बैठे, उसके सारे सब ट्राइब्स बैठे, वो मुत्तफिका हो कोई फैसला कर ले। अभी किसी का बाप मर जाता है 40वें पे खैरात करता है। अगर इन सब ये तो आपने सारी ट्राइबल दुश्मनियाँ, सारी ट्राइबल वॉर, वेरी अनफॉर्चुनेट, जैसे आपने बताया 500-600 लोग दोनों साइड से वो मारे गए हैं, इट्स अ मैसिव, इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी। तो जब वही आपके मुखालिफ ट्राइब जो है, तो आपको याद होगा मेरा ख्याल है वो आके वज़ीर आला बने सिंध के, इसके सॉरी बलूचिस्तान के,
आप अकेले थे मेरा ख्याल पोजीशन में, एमपीए थे, तो वो दौर आपने कैसे गुजारा कि आपका सबसे वर्स्ट वो जो ट्राइबल दुश्मन है वो चीफ मिनिस्टर है बलोचिस्तान के, आप अकेले वहाँ पे अपोजिशन में बैठे हुए हैं, आप अपोजिशन के इजलासों में उसमें असम्बली में आते जाते होंगे, ट्रैवल करते होंगे, तो वो दौर कैसे गुजरा आपका, आपने कैसे सर्वाइव किया? मेरी ज़िंदगी का वो मुश्किल तरीन दौर था, मगर मुझे फ़ख्र अपने लोगों पे, अपने कौम पे, अपने कबीले पे, अपने लोगों पे, कि एक दिन भी मुझे उन्होंने महसूस होने नहीं दिया कि सरदार हम बहुत बुरे वक्त में हैं। अच्छा, वो ये नहीं होता था कि मैं उनको हौसला देता था या उनको वो करता था, वो आगे मुझे हौसला देते थे कि सरदार ये आ जाए, 5 साल के इसका दौरे गुजर जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, आज सुबह है, रात शाम को रात हो जाएगी, ये रात है अगले दिन फिर सुबह हो जाएगी, वक्त इस तरह गुजर जाते हैं। और इनकी हिस्ट्री रही है जो हमारी 30 साल की लड़ाई में, रहसानी साहब हमेशा मेरे साथ उस वक्त लड़े हैं जब इख्तदार में हुए। अच्छा, इससे पहले भी ये सीनियर मिनिस्टर थे, ताजमहल जमाली चीफ मिनिस्टर था, तब ये मुझसे लड़े, जब ये पावर में आए तब मुझे लड़े, और मैंने बैठ के इनको शोरान में अपने गांव के अंदर अपने इलाके में, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक ही है, मगर मुझे फख्र है अपने लोगों पे, अपने दोस्तों पे, अपने कौम पे, अपने कबीले पे, अपने हमदर्दों पे, कि रहसानी साहब 5 साल चीफ मिनिस्टर रहे, मेरा और उनका एक ही होम डिस्ट्रिक्ट है और हमारी ज़मीनें 1 फुट के फासले पे एक दूसरे से मिलती हैं, वो आप भी सरायकी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कहते हैं बारा शरीक, मतलब बन्ना शरीक, बन्ना शरीक जिसको कहते हैं, हम बारा कहते हैं आप बन्ना कहते हैं, मेरी ज़मीनें उसी के इस तरह थी उसके साथ, क्योंकि आपका आमना सामना होता था असेंबली में, कैसे नहीं असेंबली, तो उस दरमियान में सिर में ओथ लेने गया, उसके बाद नहीं गया, उसके बाद नहीं गया, ओथ भी उस तारीख का, ये पार्लियामानी तारीख का जो है, ये भी अजीब एक वाक्या था जिस दिन मैं ओथ ले रहा था, आप वो देखा था मैंने, बहुत गांधी गांधी आपको याद भी होगा, वो गांधी गांधी बंदूकें गार्ड्स एवरीवेयर, उसी दिन 2 दिन पहले अरबाब साहब के साथ सिंध असेंबली में वाकया हो चुका, हां जो उनको मारा गया था, कोई थोड़ा सा कुछ चीज मारी गई थी, ठीक है ना जी। और जब मैं वहां गया पता पड़ा कि जी जरदारी साहब ने उनको नामजद कर दिया है और वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, तो लोगों की सोच ही चेंज हो गई और लोगों के रवैये चेंज हो गए, तो मेरे पास उस वक्त के CCPO और कमिश्नर आए, उन्होंने कहा कि जी वो आपसे मिलना चाहते हैं, चीफ सेक्रेटरी और आईजी। मैंने कहा क्यों, कि आप मेहरबानी करके आप तशरीफ ना लाएं असेंबली में, मैंने कहा बात सुने, मेरा आईनी हक है कि मैं ओथ लूँ या ना लूँ, उनका जी वो तो है पर हालात इस तरह के नहीं है, मैंने कहा नहीं ओथ लूँगा और ज़रूर लूँगा, कल सुबह ओथ है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि आप उसको मैनेज करें। उन्होंने कहा नहीं हमें पता पड़ा है, रात ही रात उन्होंने लोगों को बताया है कल कम से कम 2-3 हज़ार आदमी असेंबली के दरवाजे पे होंगे और आपको वहाँ से गुजरना होगा, ऐसे नहीं कि कोई बदतमीजी करे। मैंने कहा ठीक है आप मैनेज कर सकते हैं, प्लीज़ मैनेज करें, नहीं मैनेज करते फिर हम खुद मैनेज कर लेंगे अपना, ये हम किसी को राइट नहीं देंगे कि वो हमारी बेइज्जती करे और हम उसको छोड़ देंगे वो अपने घर चला जाए, हम किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे मगर हम किसी को अपने साथ ज्यादती करने भी नहीं देंगे। अब मैं पहली दफा आपसे ये वाकई, कितना अर्सा हुआ इसको, अंदाजन 2008 की बात है मेरा ख्याल है, उस वक्त बने थे 8-9 में बने थे वो जी, 2008 मैंने रात को, हम कोई 50 आदमी 60 के करीब थे उस वक्त आपस में, मैं फेडरल लॉज में था, मैंने अपने सारे दोस्तों को मतलब जो मेरे गार्ड्स थे सबको मैंने बुलाया, मैंने कहा मैं मुझे 100% यकीन है कि कल मैं असेंबली जाऊंगा और वहां लड़ाई होगी और मैं मारा जाऊंगा। अच्छा, हाँ 100% मुझे
ये यकीन तक, और वहाँ यहाँ तक कि मैंने रात को अपनी विल भी लिख ली थी। ये मैं पहली दफा आपसे जिक्र कर रहा हूँ, मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं तो फॉलो करता रहता हूँ पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को। मैंने अपनी विल भी लिखी है, वो किसी के हवाले करके मैंने भिजवा दी थी अपने एक रिश्तेदार के पास कि मेरे मरने के बाद ये चीज इस तरह होनी चाहिए। फिर उन सबको बुला के मैंने कहा ये बात सुनो, ये कुरान शरीफ रखा हुआ है और मैं तुम सबको ये इजाजत देता हूं जैसे मेरे नबी ने किया था, मैं भी वही कुछ करने जा रहा हूं उनकी चीज को जो सुन्नत के तौर पर अल्लाह ने के नबी ने वो की थी, मैं वो खुद दरवाने जा रहा हूं। इस कुरान पे मैं थोड़ी देर में उठ जाऊंगा, आप लोग चले जाए, और मेरी तरफ से इस कुरान के ऊपर उसको बख्श है और मैं दिल में भी नहीं करूंगा, और मेरी तरफ से इजाजत है जो जाना चाहे वो चला जाए, क्योंकि कल हमारी लड़ाई होगी, ये एरिया उनका है और हमें यहां से लड़के 150 किलोमीटर उनके इलाकों में से पहाड़ों में से गुजर के जाना होगा, ये इम्पॉसिबल है। मगर मैं कल जाऊंगा हर सूरत में, और मुझे 100% यकीन है कि मैं मारा भी जाऊंगा, मगर मैं आपको इजाजत देता हूं कि आप सारे चले जाए, जो जो मुझे छोड़ के जाना चाहता है अभी नहीं, शायद शर्मा शर्मी में आप लोग न जाएं, मगर रात की तारीख में सबको इजाजत है, जो जाना चाहे मुझे छोड़ के चला जाए। तो इतने में मेरे क्वेटा में जो और कबीले के लोग थे वो भी पहुंच गए, लोग आ गए, तो हमने यही तय किया कि सुबह हमने जाके असेंबली में हर सूरत में ओथ लेना है, कुछ हो जाए, इन एनी कॉस्ट। आप यकीन करें, सुबह जब नमाज का टाइम हुआ, मैं उठा, मैंने नहाया धोया और नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की, थोड़ी सी कुरान की तिलावत की, और मैंने कहा बुलाओ कौन कौन लोग हैं और कौन रात छोड़ के चले गए। तो मुझे पता पड़ा कि एक आदमी भी छोड़ के नहीं गया। जब वो आए तो मुझे हंसी आ रही थी, तो मैंने कहा पता है तुम लोगों को कि अभी हम जा रहे हैं मरने के लिए। उन्होंने कहा हाँ सर। मैंने कहा फिर जब मैंने तुम लोगों को इजाजत दी तो क्यों तुम लोग नहीं गए? उन्होंने कहा सर, हम अगर यहाँ आपको छोड़ के चले जाते ना घर में अपने, और तो और छोड़े मर्द कौम कबीला जो हमें ताने दे दे के हमें मार देता, हम हल्फ खाते हैं, हमारी बीवी हैं, हमारी घर में इंटर होते ही चाकू से हमारी नाक काटती। अच्छा, कि बेगैरत तुम जिंदा वापस आ गए और अपने सरदार को वहां मरवा के आ गए, मरने के लिए छोड़ दिया और तुम जिंदा वापस आ गए, तो हम आपके साथ मरना चाहते हैं। और भूतानी साहब उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, वो सख्त गरीब परेशान थे, क्योंकि दोस्ती थी, ताल्लुक था, वास्ता भी था, मगर ये सारी शैतानी उनकी भी थी कि इसको चीफ मिनिस्टर बनाने में हमारे असलम भूतानी साहब का भी बहुत बड़ा एक रोल था ना, कभी कभी वो छोटी मोटी हरकतें करते रहते हैं, लसमेला वालों की आदत है, ये हैं जाम साहब हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो मेरे पास है, मुझे बचपन के मेरे दोस्त हैं, हम एक साथ रूममेट भी रहे हैं पब्लिक स्कूल हैदराबाद में, मुझे बड़ी कस्में और कुरान और ये, उसने कहा अगर रोकते नहीं हो मैं कुरान शरीफ तुम्हारे पास ले आता हूँ, आज मत जाओ। मैंने कहा नहीं, आज मेरी तारीख का फैसला होना है, मैं आज छोड़ के चला जाऊँ, ओथ ना हो तो मेरी आने वाली नस्लों को भी लोग ताने मारेंगे, कैसा तुम्हारा बाप बुजदिल था कि ओथ नहीं लिया और छोड़ के चला गया। इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं जो मैं अभी नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने बहरहाल मैंने जाना है। अब यकीन करें कि जब मैं असम्बली में, फिर वो सारे मेरे पास आके बैठ गए कि खुदा के वास्ते कोई एक रास्ता निकालें, ये कुष्ठ खून ना करें। तो मैंने कहा मैं एक रास्ता निकाल सकता हूँ, मैं नहीं चाहता कि असम्बली के अंदर और इस पार्लियामेंट के अंदर एक कुष्ठ खून और बेगुनाह लोग मारे जाए। मैं ये कर लेता हूँ जो तुम लोगों ने टाइम रखा है असम्बली के अंदर, मैं आधा घंटा जाके पहले स्पीकर को कह मैं जाता हूँ मुझे ओथ दे दे, फारग कर दे मुझे, या ये कि वो टाइम पे रेशानी साहब ओथ ले लें
और वो उसको आप असम्बली से निकाल दें, मैं जाकर उठ ले रहा हूँ। उन्होंने कहा इसमें मैं थोड़ा टाइम दे दें, हम उस पर वर्किंग करते हैं। फिर वो रात को मेरे पास आ गए, उनका डन, पहले हम उनको ओथ देते हैं, वो ओथ लेके चले जाएं, फिर आप आ जाएं। मैंने कहा हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो यकीन करें जब मैं असम्बली में गया, पिन ड्रॉप साइलेंस था। और उस दिन अगर कुछ हो जाता, आप यकीन जाने, एक मुझे जरदारी साहब ने वो वाकया बताया कि मुझे याद नहीं आ रहा है, ये अफ्रीका में हुआ या ईस्टर्न अपने अमेरिका में, क्या कहते हैं, लातिनी अमेरिका में ये वाकया हुआ कि उसके असम्बली के अंदर लड़ाई हुई और वो स्पीकर को किसी ने कोई सर पे चीज मार दी और मर गए। ये तो इधर भी हुआ था, मेरा ख्याल है हमारे मशरकी पाकिस्तान का बताया जाता है, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो है, ये हमारे पाकिस्तान में वाकया हो चुका है कि डिप्टी स्पीकर, स्पीकर वाज किल्ड इसी फाइट में, मैं गलत नहीं कह रहा, मुझे उसका पता नहीं, ये आसिफ जरदारी ने मुझे बताया। उन्होंने कहा, मैंने फिर असलम रहसानी को फोन किया कि देखो टाइम बहुत है, ये कल अगर तुमने कोई वाकया किया और लड़ाई हो गई, सरदार इन तो वैसे ही नुकसान में है, मगर तुम्हारी चीफ मिनिस्ट्री चली जाएगी, तो इसलिए लड़ना नहीं। तो मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी, आपने पहले उसको चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर उसको आपने लड़ाई से रोका, तो जरदारी साहब की तो काफ़ी चीज़ें, मतलब माशाल्लाह करते रहते हैं ऐसी चीज़ें। तो बहरहाल तो ये मेरी तारीख का एक। और उसके बाद आप कभी पार्लियामेंट वापस नहीं गए उधर? नहीं, मैं हर दफ़ा जाता था असेंबली में, अभी भी मैं जाता था जब ये असेंबली का, अभी जो टेन्योर ख़त्म हुआ है, हम दोनों मेंबर थे, बड़े प्यार मोहब्बत में हमसे रहते थे, सिक्योरिटी वाले सुबह मुझसे पूछ लेते थे कि सर आपने कल आना है, मैं कहता हूँ हाँ मैं कल आऊँगा, सर किस वक्त आएंगे, मैं कहता फलाने टाइम पे, परेशानी को बता देते थे। मतलब आपने टाइम तय किया होगा कि जिस वक्त रहसानी साहब होंगे आप नहीं जाएंगे? मैं नहीं होऊंगा, जब आप होंगे तो वो नहीं होगा। तो ये 5 साल में 10 साल ऐसे चले हैं? 5 साल ये जो टेन्योर हुआ, ये वाला, जी हाँ ये पूरा हुआ, इस तरह हुआ सारा चीज़ें। तो ये बहुत सारी चीजें अनयूजुअल होती हैं। अच्छा, कमिंग टू द सर पॉइंट, जो मेन इस पे आते हैं, बलूचिस्तान का जो इशू है, अब तक कितने मिलिट्री ऑपरेशन हो चुके हैं, मतलब भुट्टो साहब के दौर में हुआ, पाकिस्तान बनने के बाद भी हमने देखा कुछ चीज़ें हुई, जनरल मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, फिर अभी भी इस मुसलसल एक स्टेट ऑफ उसमें चल रहा है, हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट, मतलब ये डिबेट रहती है कि ये जो हर दफ़ा बलोचों की यहाँ पर लड़ाई क्यों होती है, बाकी सूबे भी तो हैं, लोगों का एक एतराज़ सामने आता है, आप समझते हैं बलोचों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं, और एक और भी एक साथ में है, बहुत सारे लोग जो हैं इस्लामाबाद या दीगर में, वो वहाँ के सरदारों को भी ब्लेम करते हैं कि बलोचिस्तान की तरक्की अगर नहीं हो सकी तो वो कहते हैं सरदार अपना तो हिस्सा ले लेते हैं, अपने जो उनके कंसर्न्स हैं, अपने उनके राइट्स हैं, अपने उनका फ़ायदा नुकसान है उसके लिए तो रखते हैं, लेकिन बलोच मासेस, कामन जो बलोच है उसकी तरक्की डिवेलपमेंट के लिए बलोच वो जो सरदार है वो कुछ नहीं करता। सो ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, बट You being very blunt and honest, I hope के आप इसको address करेंगे इस सवाल को। सही कहते हैं, ये इल्ज़ाम वो सही लगाते हैं। अच्छा, कि ये बलोच सरदार नवाब यही करते हैं, मैं कहता हूँ कि उनके ख्याल से ये सही है, मगर मुझे ये बताएं कि महारंग बलोच सरदार है, ऑर्डनरी एक बलोच की बेटी है, अल्लाह नजर कौन है, ऑर्डनरी एक बलोच उसका बेटा है, उनको हिस्सा दे के उनसे जान क्यों नहीं छुड़ा लेते हैं? ये 75 साल में बलूचिस्तान का मसला हल क्यों नहीं हो रहा है? मैं फिर आपको उस वाक्य का बताऊंगा कि किस तरह वो आज, अगर वो मुझे, मेरा एफर्ट कामयाब हो जाता, बिलीव मी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मैं बिटवीन आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और बलोच एक ब्रिज बनूँ, इनको नज़दीक लाऊँ, ये बैठे, और यहां तक कि हमने जनरल मुशर्रफ को राजी कर लिया। अब कहते हैं ना कि क्यों आप जनरल मुशर्रफ की तारीफें करते हैं, जनरल मुशर्रफ में बहुत सारी खूबियां थी, उसके टीम में खूबियां थी, देखिए आखिर में जनरल साहब के साथ जो कुछ हुआ आप तस्वर नहीं कर सकते कि जनरल के साथ उसके अपने लोगों ने किस तरह उसके साथ किया, किस तरह ये जो वाकया हुआ लाल मस्जिद का, किस तरह जनरल मुशर्रफ से ये करवाया गया। और ये वैसे आप इसको कैसे देखते हैं, इस्लामाबाद कैपिटल है, शहर है, आप पूरी दुनिया फिरते हैं सर, मॉडर्न आदमी हैं, इन तमाम चीज़ों के
तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इस्लामाबाद का एक कैपिटल हो, मास्क हो, वहाँ पे लोग हैं असले के साथ एक बड़ी तादाद में, वहाँ पे बैठ के कब्जा कर लें और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वो चैलेंज करें? ये तो दुनिया का कोई भी मतलब मुल्क होगा, खित्ता होगा, तो वो डेफिनेटली वो एक्ट करेंगे। मतलब हम ज़ाती तौर पर ख़िलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि रियासत की रिट आपने कायम करनी है, अगर आपके कैपिटल के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और इतना असला है, जंगजू बैठे हुए हैं, तो जनाब मुशरफ आई नो मैं उनका एवरीबॉडी नोज़ के कोई मैं उनका फ़ैन नहीं रहा, कभी उनका कोई उनके अप्रिसिएशन उस तरह मेरे मेरा ख्याल है ना कलम से हुई है ना मुँह से हुई, लेकिन हमें डाल दिस इस्लामाबाद शहर में अगर इस तरह की कोई रबिलियस चीज़ होगी तो आपका ख्याल है ऑपरेशन वहाँ पे गलत था, नहीं होना चाहिए था? मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ, पर मैं ये कहता हूँ कि ये सारा बिल्डअप कैसे हुआ, ये एक दिन में हुआ? क्या मौलाना अजीज और मौलाना वो जो मारे गए, क्या नाम है उनका, रशीद, अब्दुल रशीद, अब्दुल रशीद साहब या वो, क्या इन्होंने ये वेपन, ये लोग, ये सारी चीजें, ये पूरा सिस्टम लाल मस्जिद एक दिन में डेवलप की? सर मैं एक महीने में की? मैं सर बिल्कुल, मेरी छोटे से मैं आपको बड़ा सवाल किया, मैं इसका जवाब आप ही सवाल का जवाब देंगे। जनरल मुशरफ आर्मी चीफ बने 98 में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा 99 में, ही वाज कमांडर भी, आर्मी चीफ भी थे, चीफ एग्जीक्यूटिव भी थे, सदर भी बन गए 99 से लेके 2007 में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहे, 8 साल जनरल मुशरफ के नीचे यहाँ पे एजेंसीज हैं, जनरल मुशरफ के नीचे लॉ एनफोर्समेंट है, जनरल मुशरफ के नीचे एस्टेब्लिशमेंट है, तो 7-8 साल में बिल्डअप जो हुआ है ये तो जनरल मुशरफ साहब के दौर में लाल मस्जिद में बिल्डअप हुआ है सर। ये बिल्कुल नहीं कहता कि नहीं, उसमें उनका कसूर नहीं है, मगर मैं ये बताऊं कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया उनके पीछे लगा हुआ था, हर वक्त टीवी पे कोई जर्नलिस्ट, कोई राइटर, कोई एंकर, कोई ऐसा नहीं था कि जुल्म है इस पर, जो एग्जैक्टली ये जो आप बात करें लोग यहीं इसी टीवी पे आके करते थे। जब उसने एक्शन के लिए, आप यकीन करें कि उसको इतना प्रेशराइज कर किया गया था कि अगर ये ऑपरेशन सिर्फ 4 घंटे या 1-12 घंटे बाद में भी किया जाता तो इतने लॉसेस, इतने नुकसान ना होते जो हुए, मगर उस पर इतना प्रेशर बिल्डअप हो गया था और जिस तरीके की उन्होंने फैसला किया, मैं आपको यकीन कहता हूं मैं एक ऑर्डिनरी बलोच हूं, मगर क्योंकि मेरी जिंदगी पूरी लड़ाई में और झगड़ों में गुजरी है और पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर ये फैसला किया और जिस तरह का ऑपरेशन हुआ है, मैंने कहा ये ऑपरेशन ही डिजास्टर था, ये बदकिस्मती थी इस मुल्क की, ये जनरल साहब की अपनी बदकिस्मती थी, मगर पहले उसको किया गया कि जी आप करें करें करें, जब वो करने के लिए तैयार हुए ऑपरेशन हो गया तो लोगों ने कहा जालिम है, इसने सबसे बड़ा जुल्म किया है, और उसका रिएक्शन में भुट्टी साहब वाले की, चलो यहाँ पे ठीक है कि लोगों का दबाव था, मीडिया का होगा, फेयर इनफ, तो भुट्टी साहब वाले केस में तो कोई नहीं कह रहा था कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करें, वो तो जनरल मुशरफ साहब की अपनी कोई अना की थी कि अपने को भुट्टी साहब को अपने को नवाब कहते हैं, मेरे आगे डिफाई करते हैं, तो सो आई विल गो आफ्टर हिम, अदरवाइज भुट्टी साहब तो हमेशा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे, कभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे नहीं, वो तो इन्हीं के साथ ही थे, हम सारे जानते हैं, सो वहाँ पर तो कोई दबाव नहीं था कि आप भुट्टी साहब को जाएँ मारें, और इतनी बड़ी वहाँ पर जो टर्मायल हुई, क्यास हुआ, जिसके बाद जो बलोच जो आपके उसमें थे, दूसरी साइड के लोग थे, उन्हें तो एक शहीद मिल गया, और जिसको उन्होंने पूरे बलोचिस्तान में उन्होंने वो किया कि ये देखें जी कि हमारे इन्होंने नवाब भुट्टी साहब को मार दिया, तो उस पर तो मुशरफ साहब के ज़ाती फैसले थे या उनके अपने कमांडर से, उसमें कोई पाकिस्तान के सियासी समाजी या जर्नलिस्ट या इवन पोलिटिशियन भी साथ में नहीं थे कि आप ऑपरेशन करें। तो हमने कब कहा कि नवाब साहब की जो ये वाकया हुआ और जिस तरह उनको कत्ल किया गया, मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि अगर ये वाकया बलोचिस्तान में ना होता जनरल मुशरफ के दौर में, अब यकीन करें कि लोग आज भी जनरल अगर मुशरफ की कब्रों पे जाके ना फूल चढ़ा रहे होते, तो हल क्या है सर बलोचिस्तान का? डीएलए वहां पे इस पे उनके अपने कुछ कुलीग्स और दूसरी जनरल साहब की अपनी एक अना, ईगो, ईगो बहुत थी उनमें, और आज मैं माजरत से चाहता हूं पाकिस्तान की आर्मी से, वो कहते हैं रेट ऑफ गवर्नमेंट, किसके ऊपर रेट चला रहे हैं आप? अपने लोगों पे, अपने सरजमीन पे, आप पाकिस्तान की आर्मी है, इससे ज्यादा रेट और क्या होगी कि पाकिस्तान के लोग, आप पाकिस्तान की आर्मी है, आप खुद आर्मी जो है पाकिस्तान के एक एक आर्मी के टैक्स का एक एक रुपया जाता है, एक
जो वो क्या कहते हैं टोकरी उठाने वाला, उससे भी टैक्स कटता है, वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ जाता है। मैं उनकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूँ, रेट ऑफ गवर्नमेंट डंडे से नहीं होती है, रेट ऑफ गवर्नमेंट प्यार से भी होती है, मोहब्बत से भी होती है, एक जज्बे से भी होती है। हमारे हाथ में क्या है, लोग हमारे लिए क्यों मरते हैं? क्योंकि हम उनके मुफादात और उनकी इज्जत, उनकी सरजमीन, उनका नंग, उनका नामुस। मेरा बेटा क्यों मरा गया? मेरा तो रहसा नहीं, रिश्तेदार था। आज भी मेरी सगी मतलब बहन जो है वो नवाब रहसानी के कज़न को दी हुई है, और मेरे बड़े बेटे की जो मेरे मरने के बाद वो शायद शायद अगर कौम ने चाह तो सरदार बने, उसके घर में रहसानी है। मगर आज लोग क्यों हमारे लिए कुर्बानी देते हैं? कि एक जज्बा है और एक रिस्पेक्ट है, इनको भी वो रेट इस तरह के एक ताल्लुक आर्मी में और लोगों में होना चाहिए कि वो उनका एहतराम करें। एहतराम डंडे से और जोर से नहीं होता है। ठीक बात है आपकी, एहतराम वाला एक रिस्पेक्ट नंबर टू। हाँ। मैं कहता हूं कि नवाब बुगटी का कत्ल, इस मुल्क में एक ऐसे आदमी का कत्ल जो मैंने इतना अरसा मैं उसके साथ रहा, 3 दफा मैं उसके साथ मेंबर पार्लियामेंट रहा, एक वो होते थे एक मैं होता था, मगर कभी भी मैंने उसको पाकिस्तान के खिलाफ बात करते नहीं सुना। ऐसे था। अब सलूशन मैंने तो नहीं सुना। आप क्या समझ जिस हालात पे जा चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से शिकायत करते हैं कि वो बेचारा गरीब मजदूर, वो सरेकी गए, पंजाबी गए, उर्दू स्पीकिंग, हिंद को हिंद सिंह से जो भी गए सारे, उनको वहाँ पे मारा गया। कोई मतलब है जो वर्कर्स थे, जो क्लास गई पहले जिन्होंने बलोचिस्तान की डेवलपमेंट में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने पढ़ाया, जब उनको मारा जाते तो कहा जाता है वहाँ से कोई आवाज़ जो है वो उनके हक़ में नहीं उठती, वहाँ का बलोच जो है वो उनके हक़ की बात नहीं करता, उनकी मतलब जो लोग उनको मारते हैं उनके खिलाफ़ बयान नहीं देता, उनके खिलाफ़ स्टैंड नहीं लेता। तो मतलब हाउ वुड यू सी दैट? और लास्टली, कि टाइम थोड़ा रह गया हमारे पास, क्या सलूशन है आपके पास इस वक्त जो बलूचिस्तान में और मतलब हमारी इस वक्त जो जो कुछ हो रहा है, कोई हैव एनी आपके जहन में सलूशन है कि एस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज, पॉलिटिशियन बैठ के कोई उसको रेस्क्यू किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, तलुकात उन लोगों के साथ ठीक हो सकते हैं जो इस वक्त असला उठाए हुए हैं? आज अगर आप सच मुझसे पूछना चाहते हैं ना, तो मैं ये बता दूँ, जिन्होंने असला उठाया हुआ है ना, ये जो लोग आए हुए थे ना, जैसे हमारे अभी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब, काकड़ साहब, बहुत मेरे जाती दोस्त हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, मगर आखिर में मैंने देखा, मैं हैरान हो गया, वो इस तरह दाम वो क्या कहते हैं चबा चबा के और इस तरह गुस्से का इजहार करते थे। वो तो मेरे बहुत भाई दोस्त हैं, वो तो एक रेडी वाले को भी गरीब कुछ नहीं कर सकते। इस प्राइम मिनिस्टर के हाथ में तो रेडी वाले को भी धिक्का देना बलूचिस्तान में इसके इख्तियार में नहीं है। उनके निगरान वजीर आजम थे, उनके पास इख्तियार तो, उनका रवैया आपने देखा, उनकी स्पीचेस देखी, बातें सुनी आपने, वो तो लगता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं, वो एक टीचर बना के उन्होंने भेजा था जो आके वो लेक्चर देता था बलोचों को। इस तरह से नहीं होता है। अभी जो ये मच में वाकया हुआ है, कभी आपने सुना? या जिस तरह 12 फिदाइन, वो उसको फिदाइन कहते हैं, आप उसको खुदकुश कहते हैं, मच वाले वाकये में मारे गए और सैकड़ों लोग मारे गए, 72 घंटे पूरा इलाका जो है वो उनके कंट्रोल में रहा। बात ये कि हम जैसे लोगों को जिन्होंने 30 साल सियासत की है और 30 साल हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, एक अभी एक मेरा बहुत पुराना एक दोस्त है, जनरल है, उसने मुझे आज मैसेज भेजा, उसने कहा यार ये इलेक्शन हराने का मुझे इतना दुख हुआ है कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें, मगर तुम्हारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ था कि तुम प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो, ये लेबल तुम्हारे मुंह से हट गया है, तुम्हारे ऊपर जो लगा हुआ था, और मुझे खुशी है कि वो लेबल हटाया। मतलब आप कह रहे हैं ये जो इलेक्शन हुआ है अभी 8 मई वाला आपको हराया गया? नहीं, ये एक दफा नहीं, हर दफा यही करते हैं। सिर्फ हम ये नहीं करते, मैंने एक उनके जनरल से भी ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर अब एक चीज रह गई है, जो नहीं बूट पॉलिश करने वाले जो वो गले में लेके खड़े होते हैं, वो पॉलिश और ब्रश लेके के बूट पॉलिश
सिर्फ वो हम आपके लोगों की नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो हर महाज पे, हर जगह पे आपको जहाँ जायज़ हुए, मुझे अपनी सरजमीन से मोहब्बत है, मुझे अपने कौम से मोहब्बत है, मुझे अपने लोगों से मोहब्बत है, अगर मुझे इस मुल्क से भी किसी हद तक मोहब्बत है, अगर आप मेरी सरजमीन को आके रौंदेंगे, मेरे बच्चों को और मेरे लोगों को मारेंगे, आप उनको गुलाम बनाना चाहेंगे, तो मैं उसमें आपका साथ नहीं दे सकूंगा। हाँ, मैं ये समझता हूँ, मैं उन लोगों में हूँ कि हम बलोचों के लिए पाकिस्तान किसी हद तक कंपेयर टू जो इस वक्त रीजन के हालात हैं उसमें सबसे बेहतर है। हम पाकिस्तान के अंदर रह के बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम मेजॉरिटी हैं बलोचिस्तान, सिर्फ एक बलोच तो नहीं है बलोचिस्तान के अंदर, सिंध में मेजॉरिटी किसकी है, पंजाब में किस हद तक बलोच है, सरायकी का आप मुझे बता दें, सरायकी ज्यादा है या बलोच ज्यादा है, बलोच ज्यादा है। तो मैं आप अर्ज करूं, हमें तो नुकसान ही नुकसान होगा। मेरे तो कई दफा अल्लाह जन्नत नसीब करे अतौला मेंगल साहब से, मीर साहब से और लोगों से बात हुई है कि यार ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्यों नहीं जाते, मेजोरिटी तो हम बलोचों की है। नहीं, आप बलोच राजी हो जाएंगे किसी एक सदर पे? बलोच राजी होते हैं या नहीं होते? इतने सरदार हैं बलोचों के, कोई राजी हो जाएंगे कि एक हम बलोच सदर बना लेते, वोट ज्यादा हमारा? मैं कहता हूं, मैं सबसे पहले मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं यहां। और मैं एक आखिरी बात आपको बता दूं प्रोग्राम खत्म करने से पहले, कि अगर इस मुल्क को वाकई आपने चलाना है और वाकई आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, तो एक ही सिस्टम है, वो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एग्जैक्टली वही, एक नहीं जो दो चार पंजाब के मुंशी बैठ के इस्लामाबाद में एक बैठ के हमारा आइन और कॉन्स्टिट्यूशन और सिस्टम लिखे, वो नहीं चलेगा। अगर वाकई आपने पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना है, पाकिस्तान को आपने चलाना है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वो कौन सी जो अमरीका के अंदर है। चलो सर, बड़ी मेहरबानी आपकी अरिन साहब, बड़ी आपसे डिटेल, हालांकि बहुत कुछ पूछना, डिस्कशन करना, बातें करना अभी बाकी हैं, कोई एक और सेशन लगाएंगे। बड़ी आपने ब्लंट और बड़ी स्ट्रेट बातें की हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके, लेकिन मुझे अभी पता है बहुत सारी बातें रह गई हैं, वो नेक्स्ट किसी और एपिसोड में आपके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया। नहीं, बहुत शुक्रिया, बहुत से अरसे से दिल में एक भड़ास थी, निकल गई शायद आज थोड़ी सी हल्की, थोड़ी सी निकली है, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह फिर मिलेंगे सर। मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मुझे बहुत सारी उम्मीदें, अल्लाह शायद कोई बेहतरी का कोई इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू।